जय जगन्नाथ। आज आम एक नुआ धरणर वीडियो देखिबा किपरि अकाल मृत्यु आउ आकस्मिक मृत्यु को टाळी दिया जाय पारे। हाँ आज्ञा, किपरि अकाल मृत्यु और आकस्मिक मृत्यु को टाळी दिया जाय पारे ए विषय रे जो महापुरुष मानकर वाणी अच्छी जो महापुरुष माने ए दिगरे दिग्दर्शन देइचंती किपरि अकाल मृत्यु को आमे टाळी पारिबा बा असमय मृत्यु को बयस न होइथिव आकस्मिक मृत्यु को किपरि मृत्यु होइथाय काहेकि मृत्यु होइथाय एवं एपरि मृत्यु को किपरि टळा जाय पारे आसंतु आमे आज जानिबा आउ देखिबा। अकाल मृत्यु और आकस्मिक मृत्यु संपर्क में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कहते केते गुड़िए अच्छी आगंतुक मृत्यु आउ केतेक आयु कम जब आयु थाई भी अनेक समय रे चलिबा दोष त्रुटि मनीष जीवन हराए सुकेंद्रिक जेते हुए परमायु सेते पाए अकाल जो अपमृत्यु ताहा मथा मध्य शरीर रे प्रवेश करे मरण आड़ बाट कढ़ाई निए बंचिवार पथ हैला सुकेंद्रिक हेवा प्रवृत्ति बहुदिगर टाणे ता मध्य मृत्युर पथ सहज हो उठे किंतु सुकेंद्रिक हेले परमायु नष्ट हुए ना। आलोचना प्रसंगर 18 खंड पृष्ठा 123 आकस्मिक अपमृत्यु को एड़ाइबा पाई श्री श्री ठाकुर एक सहज उपाय बताई कौन सेटा ना घर जेतेबेला आम बाहर को बाहर ठाकुर को प्रणाम करी बा जी जहाँ को इष्ट बोली माने नहीं से इष्ट को प्रणाम करी जेते बेले तुम्हें बाहरी जाओ सेते बेले तुम्हें तुम ठाकुर को बा इष्ट को संगरे नहीं बाहर लो बोली जेपरी सर्वत्र बुलुची जेपरी तुम्हें सर्वत्र बुलु थाओ से हीपरी तुम इष्ट तुम सांगरे सर्वत्र बुलु थांती तेणु इष्ट जदि सांगरे रहिले तेबे अनिष्ट के होवार प्रश्न उठुना। ए अकाल मृत्यु संपर्क रे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर अनेक बाणी सुनिबा जीवन बीमा स्वास्थ्ययानी जातिर बीमा ए स्वास्थ्ययानी अवज्ञा रे किपरि पारिबु रही अर्थात ठाकुर कहउचंती जे स्वास्थ्ययानी होउची जीवन बीमा अर्थात स्वास्थ्ययानी पालन कले अकाल मृत्यु जमारु हेबो नाही। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर ए अपमृत्यु बा आकस्मित आकस्मिक मृत्यु उपरे अनेक बाणी आमे आज शुणा नियमित नाम जप और इष्टभूति करिले किपरि अकाल मृत्यु को रोका जाय पारे एभली भक्त मान सहित कथा प्रसंगरे ठाकुर तन्मय हुई कहिले जे तन्मय हुई जदि नाम करुथांति त तबे सेतेबेले मृत्यु हेबा उचित नुहे। नाम बोले ये बुझौती कहार नाम गुरु द्वारा आध्यात्मिक गुरु द्वारा पाई नाम बा ईश्वर नाम जदि जड़े व्यक्ति तन्मय हो करुच्छी तेरे जदिव ताहार मृत्यु समय स्थिर हो समय तेज मृत्यु हो पारना जड़े सत्संगी नाम करी किपर भाव दुर्घटन अलौकिक भाव रक्षा पाई पारती जड़े से घटना जीवन में घटी घटना समस्तंकु जणाइथिले एवं ताहा उपरे प्रतिक्रिया प्रकाश करी श्री श्री ठाकुर कहुछंती जे जेव माने नियमित नाम ओ इष्टभूति करंती सेमानंक भितरे गोटाए शक्ति संचित हुए जा सेमानंकु विपद मुहूर्तरे रक्षा करे। तेणु बंधु माने एही ठाकुरंकर एही संवाद बा मेसेज आमर आम मानू अर्थात आम देशवासी मानू रक्षा करुवा से सैनिक बंधु पुलिस अर्धसामरिक बाहन एम निश्चय काम आसब कारण जीवन आमपाई बहुत मूल्यवान तेणु बंधु मैंने मेसेज टी बहुत रु बहुत सेयार करूँ जेपरी सारा भारत यही मेसेज पाई। अकाल मृत्यु से बचने के लिए श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने
जो भाववाणी में संवाद दिया है वह हमारे लिए, हम सबके लिए, भारतवासियों के लिए जानना जरूरी है, इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। पुण्यपोथी में लिखा गया है, पुण्यपोथी में जो लिखा गया है वह ठाकुर श्री श्री अनुकूल चंद्र जी की भाववाणी अवस्था में कहा गया संवाद है। वो कहते हैं 23वां दिवस की वाणी है, ये संख्या 16 है। इस वाणी में ठाकुर जी कहते हैं, भय नहीं भय नहीं, मैं हूँ तुम्हारे सम्मुख प्राण, खोलकर कहो हरी हरी, मेरा अस्तित्व जगत में रहने पर एक भी प्राणी जा नहीं सकेगा, मैं हूँ खोजना नहीं पड़ेगा, मैं हूँ। अनंत पाप का बोझ मेरे सर पर लाद दो, भय नहीं मुझ पर विश्वास रखो, यह देखो ऋषिगण तुम लोगों के लिए आए हैं, कहो हरी बोल हरी बोल। सब कुछ मेरे सर पर लाद दो, मैं अनंत नरक भोग करूँगा, मुझ पर विश्वास रखो, तुम लोग अपने पापों का सारा बोझ मेरे सर पर लाद दो। एक बार यदि प्राण खोल कर हरी कहते हो, यदि तुम लोगों के सम्मुख काल आए, महाकाल आए, फिर भी मैं महाकालत्व का ध्वंस कर दूंगा, तुम लोग मुझे थोड़ा स्थान दो। तो दोस्तों देखिए कैसे कैसा भावाणी है, और आप इस भावाणी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ठाकुर क्या कहना चाहते हैं। अकाल मृत्यु संपर्क रे, बाप मृत्यु संपर्क रे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर अनेक वाणी आज देखिबा शुणिबा। जने भक्त प्रश्न करुछन्ति ठाकुरंकु, ठाकुर जजन जाजन इष्टवृत्ति तो महान अस्त्र बोली आपण कहिछन्ति, तेबे जजन जाजन इष्टवृत्ति करिबि दुर्भोग आसे काहेकि, मनुष्य जीवन रे विपद आसे काहेकि। श्री श्री ठाकुर यहार उत्तर देबाक जाय कहुछन्ति जे दुर्भोग समस्तंक जीवन रे ही आसे, किंतु सेतेबेले जदि बुद्धिभ्रंश हुए ताहले आहुरी सर्वनाश। जजन जाजन इष्टवृत्ति जी करे तार मगजटा अनेक दूर ठीक थाए, तेणु विपद आपद आउ गाढ़ हो उठी पारे ना। जजन जाजन इष्टवृत्ति करिवा, इष्टि चलन रे चलिवा माने दुर्भोग को अतिक्रम करिवार पथरे चलिवा। दुर्भोग मनुष्य जीवन रे आसिबनी ता कोन हुए, तार अतीत कर्मफल अच्छी, अज्ञता अच्छी, प्रवृत्ति चलन अच्छी, परिवेश संगे जोगसूत्र अच्छी, यही सबू नाना छिद्र मध्य दुख पशि आसे, विपद पशि आसे। दुख पशि आसवार छिद्र गुड़िक बंद करिवा पाई ही जजन जाजन इष्टवृत्ति। इह कालर पर कालर आपणा परर गोटे कथारे कहिले समस्तंकर सबु कालर मंगल पाई पालनीय ही जजन जाजन इष्टवृत्ति। एही त्रयर गोटे को भी जदि क्षुर्ण करती ताहले सेते टिके साम्यहरा होई पड़िबे। अकाल मृत्यु संपर्कित श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर ही बाणी शुणिबा। जने भाई पचारुछन्ते ठाकुरंकु, ठाकुर आमे विपद आपदरे पड़ी जेतेबेले आपणंकु आकुल भावे डाकु सेतेबेले आपण कोन आम डाक शुणिपारंती। स्मित हास्य करी अल्प हसी श्री श्री ठाकुर कहुछन्ती, तुमर अंतरर ठाकुर जेतेबेले शुणिपारंती सेतेबेले सेई शुणा मो शुणिबा सहित सामिल होई जाए। ठाकुर छाड़ी दे नाहंती कहाकु, से समस्तंक संगे ही अछंती। कथा हैला से बहु रूपे बहु भावे अछंती, आमे जेउठारे जेते विमुखतांक प्रति से मध्य सेठारे सेते अप्रकट आम पाखरे। ज्ञात बा अज्ञात सारे आमे घर करिछु तांक संगे, तांकर दिया सबु किछि दरकार आमर, किंतु आमे एपरि अकृतज्ञ जे ताकु ही चाहूना आमे, तथापि से किंतु विमुख हुवंती नाही आम प्रति, प्रतीक्षा रे दिन गणंती केबे आमे चाहिबू तांकु। जेऊं दिन प्रकृतरे आमे तांकु चाहिछु से दिन से स्वयं सर्वमय सर्वव्यापी सर्वशून्य तार आकाशरे परिव्याप्त हुई धरा देवे आम निकटरे। ठाकुर आमर कौन जाता ठाकुर। कपाल लिखन संपर्क रे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कहुछंती,
ପ୍ରବୃତ୍ତି ରୂପେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯାହା ଗୁଞ୍ଜା ହୋଇଥାଏ ତାହା ହିଁ କପାଳ। ମଣିଷ କରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି, ତେଣୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କପାଳ ଲିଖନ ବା କର୍ମଫଳ। ଏଇ ଗୁଞ୍ଜି ରଖିବାଟା ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିବ, କପାଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ, କର୍ମଫଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ।